नमस्कार, प्रणाम, आदाब, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्यारे बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं कंफ्यूजिंग वर्ड। इससे पहले वाले स्टेज में भी हम कुछ पढ़ चुके हैं और उसी सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपने सुना था कि कंफ्यूजिंग वर्ड क्या होता है। दो वर्ड जब हमारे एक जैसे लगते हैं, सिमिलर लगते हैं बट होते नहीं है, उन्हीं दो वर्ड के बीच में जो डिफरेंस होता है, उसी डिफरेंस को जानने के लिए, उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारा कंफ्यूजिंग वर्ड है, जिसे हम दूर करते हैं इस कंफ्यूजन को और वर्ड को क्लैरिटी से जानते हैं। तो आइए, पहला वर्ड है आज हमारा कास्ट, CASTE, कास्ट। कास्ट का मीनिंग क्या होता है? तो ट्राइब, TRIB, ट्राइब, CASTE, कास्ट मीन्स ट्राइब। ट्राइब का मीनिंग होता है जाति, कम्युनिटी। क्रीड जो आप बोलते हैं, CRWD, क्रीड, वही होता है हमारा कास्ट सिस्टम, है ना। फॉर एग्जाम्पल, द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मीनिंग यहाँ पे क्या निकलेगा? पर्पस, उद्देश्य। द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेरेमनी इज टू एबॉलिश द कास्ट डिस्टिंक्शन। कास्ट डिस्टिंक्शन, जातिगत आधार पे जो भेदभाव होता है ना, उसको समाप्त करने का उद्देश्य है। उसको समाप्त करने का क्या है? उद्देश्य है। द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेरेमनी इज टू एबॉलिश, एबॉलिश का मीनिंग फिनिश करना, समाप्त कर देना, इराडिकेट करना, मिटा देना। द कास्ट डिस्टिंक्शन, यहाँ पे देखिए स्पेलिंग है CASTE, कास्ट, जिसका मीनिंग होता है जाति। नेक्स्ट हमारा CASTE, कास्ट, इसी से मिलता जुलता वर्ड है और एक जैसा लग रहा। प्रोनंसिएशन यानी कि उच्चारण भी हमारा एकदम बिल्कुल सेम है। CASTE, कास्ट, CASTE, कास्ट, दोनों एक जैसा उच्चारण है। दो शब्दों के बीच का साउंड अगर एक जैसा होता है, उसे हम होमोफोन बोलते हैं, और यहीं से आता है होमोफोनस। होमोफोनस, होमोफोन आपका नाउन है। होमोफोनस देखिए OUS सफिक्स के तौर पे कनेक्ट है, तो ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या हो जाता है? एडजेक्टिव। होमोफोनस वर्ड बोलते हैं जब दो वर्ड का साउंड एक जैसा हो। यहाँ पे देखिए होमो, HOMO, होमो का मीनिंग होता है सेम या सिमिलर, सेम नहीं तो सिमिलर। और फोन का मीनिंग क्या होता है? साउंड। जब दो वर्ड के बीच का साउंड यानी कि प्रोनंसिएशन यानी कि उच्चारण एक जैसा हो, उसे होमोफोन बोलेंगे, होमोफोनस वर्ड बोलते हैं। तो CASTE एंड CASTE, कास्ट, होमोफोनस वर्ड है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? वह स्पेलिंग का है, यहाँ पे ई दिख रहा और यहाँ पे ई नहीं है। और इस कास्ट का मीनिंग ट्राइब है और इसका CASTE, कास्ट का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है थ्रो समथिंग फोर्सफुली, किसी भी चीज को फेंक देना। CASTE, कास्ट, फेंक देना होता है। फॉर एग्जाम्पल, सी कास्ट द यूजलेस थिंग, वह बेकार चीजें फेंक दी। सी कास्ट द यूजलेस थिंग, वो बेकार चीजें फेंक दी। आपने देखा कि CASTE, कास्ट मीनिंग फेंकना होता है, तो ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या हो गया? वर्ब हो गया। और वर्ब में ये कौन सा वर्ब है? एक्शन वर्ब है। कौन सा? एक्शन वर्ब है। और एक्शन वर्ब हम किसे कहते हैं? जिस वर्ब के फाइव फॉर्म्स होते हैं, उसे हम एक्शन वर्ब कहते हैं। यहाँ पे एक डाउट होगा आपको, सर सी हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब तो सिंगुलर होना चाहिए, और प्रिंसिपल वर्ब, एक्शन वर्ब, मेन वर्ब जो हमारा होता है, वो तो सिंगुलर तब होता है जब उसमें एस टी एस कनेक्ट करते हैं। भाई मैं आपको बता दूं, ये जो आपका कास्ट है ना, इसका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म एक जैसा ही होता है। CASTE, कास्ट, कास्ट एंड कास्ट, कास्टिंग वगैरह नहीं होता। और ये वर्ब का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। सी कास्ट द यूजलेस थिंग, वो बेकार चीजें फेंक दी। अगर ऐसा होता कि फेंक देती है, तो कास्ट में कास्ट लगा देते। ऐसा सोचने का नहीं है कि ये स्ट्रक्चर गलत है, ये स्ट्रक्चर भी सही है, पास्ट इंडेफिनिट का है। और यहाँ पे देखिए CASTE, कास्ट का मीनिंग क्या निकला? जाति निकला। तो कास्ट की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या हो गई? नाउन हो गई, जाति वाले की। लेकिन इस सेंटेंस में देखा जाए कि कास्ट को जन्म से हमारा नाउन होता है, क्या इस सेंटेंस में कास्ट नाउन का रोल प्ले कर रहा है क्या? तो आइए देखते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेरेमनी इज टू एबॉलिश द कास्ट डिस्टिंक्शन, कास्ट डिस्टिंक्शन। तो ये जो कास्ट वॉट, जातिगत आधार पे क्या है? डिस्टिंक्शन है, भेदभाव है। ये डिस्टिंक्शन आपका नाउन हो गया, और जो नाउन को क्वालिफाई करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि CASTE, कास्ट जो वर्ड है, वो जन्म से ही नाउन है ग्रामेटिकल प्रोफाइल, बट
इन दिस सेंटेंस रोल प्ले किसका कर रहा, एडजेक्टिव का कर रहा है, रट्टा मारने का नहीं है। ये यही होता है, बार बार समझाता हूँ कि ऐसा नहीं रखने का, यही होता है, ये भी होता है और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो आपने देखा सीएसटी कास्ट, इसका मीनिंग ट्राइब जाति होगी, और सीएसटी कास्ट जो कि हमारा वर्ब होता, मीनिंग होता है थ्रू समथिंग फोर्सफुली इन अ स्पेसिफाइड एरिया, एक निश्चित दिशा में किसी चीज को फोर्सफुली फेंक देना, कास्ट कहलाता है, एक्शन वर्ब है। और कास्ट का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एक जैसे ही होते हैं, कास्ट कास्ट कास्ट। ये जो सेंटेंसेस की कास्ट यूजुअली थिंग, ये पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। तो आपने अभी दो शब्द देखे, सीएसटी एंड सीएसटी, दोनों होमोफोनस वर्ड है। होमोफोनस हमने क्यों बोला, क्योंकि सेम प्रोनाउंसिएशन, एक जैसा ही उच्चारण हमारा हो रहा है। तो वीडियो देखें, शेयर करें, कमेंट करें, पसंद आए तो लाइक करें।